दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी डिफेंस न्यूज़ के इस एपिसोड में। भारत युद्ध की तैयारी में पूरी तरह से जुटा हुआ है, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, एयरफोर्स या फिर नेवी। हर वो काम किया जा रहा है जिससे युद्ध की स्थिति में भारत को कोई दिक्कत ना हो। जाहिर है भारत को अभी टू फ्रंट वॉर का खतरा है और इसलिए हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज अपनी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। और आप यकीन मानिए, आने वाले समय में कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है जिस तरीके से भारतीय फोर्सेस अपने आप को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। रशिया ने भी अभी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी टॉपिक पर आज का अपडेट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। भारत को जरा सर मिलने वाला है 1000 मिसाइल, जिसका सौदा भारत ने रसिया से किया था 1500 करोड़ में। इस मिसाइल के ऑर्डर 2019 में ही दे दिए गए थे, जिसकी शिपमेंट पिछले साल से शुरू हो गई थी। ये मिसाइल लेटेस्ट वर्जन का है, मतलब जिसका रेंज पहले से काफ़ी ज़्यादा है। अब बात करते हैं इस मिसाइल को यूज़ कौन करेगा। जरा सर इन मिसाइल्स को इंस्टॉल होना है सुखोई और मिग फाइटर एयरक्राफ्ट्स के ऊपर, जो भारत के पास करीबन 270 से ज़्यादा है की संख्या में मौजूद है। एस्ट्रा MQ-1 मिसाइल पर भी अपडेट है, लेकिन वह लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं R-77 मिसाइल का लेटेस्ट वर्जन, जिसे रसिया ने अभी सप्लाई किया है भारत को। आप लोगों को बता दूं कि यह मिसाइल भारत पहले काफ़ी समय से यूज़ करता आया है, लेकिन इसके लेटेस्ट वर्जन का रेंज 40 किलोमीटर ज़्यादा है। पहले इसका रेंज होता था 70 से 80 किलोमीटर, लेकिन अब इसके लेटेस्ट वर्जन का रेंज है 110 से लेकर 120 किलोमीटर। इस मिसाइल को नया नाम दिया गया है, जिसका नाम है RVST। और इन मिसाइल्स को इंस्टॉल करना भी शुरू कर दिया गया है सुखोई एयरक्राफ्ट्स में। जाहिर है भारत अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। हालात ऐसे हैं LSE पर कि एक छोटी सी गलती बड़ी लड़ाई का रूप धारण कर सकती है। दोस्तों आपके मन में एक सवाल ज़रूर होगा कि जब भारत एस्ट्रा MQ-1, MQ-2 और MQ-3 बना ही चुका है, तो भला इस मिसाइल को रसिया से क्यों लिया गया था। तो इसका जवाब यह है दोस्तों कि इन मिसाइल्स को ऑर्डर किया गया था 2019 में, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। तब एस्ट्रा मिसाइल पर काफ़ी काम बचा हुआ था, हालाँकि अभी भी कुछ काम होने बाकी हैं। और बात करें तो पहली बार एस्ट्रा MQ-1 के ऑर्डर दे दिए गए हैं और एयरफोर्स ने इसे ऑर्डर दिए हैं, जिसे 2022 से सप्लाई करना भी शुरू कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो स्वदेशी एस्ट्रा MQ-1 मिसाइल को एयरफोर्स को सप्लाई किया जाएगा, वह भी रसियन R-77 मिसाइल के लेटेस्ट वर्जन को टक्कर देगा, जिसका रेंज भी 110 से 120 किलोमीटर होगा। दोस्तों अपनी राय कमेंट में ज़रूर मेंशन करें और भारतीय सेना के हौसला अफजाई के लिए कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखें। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो लाइक ज़रूर करें। जय हिंद।